लगातार चार बड़ी घटनाओं से दहल गया है छत्तीसगढ़। रूह कपा देने वाली इन घटनाओं के पीछे आखिर लापरवाही किसकी, कौन है इन घटनाओं का जिम्मेदार जिसने छत्तीसगढ़ को दहला दिया और छोड़ गए तमाम आंसू। इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे इन चार बड़ी घटनाओं के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। 2 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ में चार बड़ी घटनाएं होती हैं। चार बड़ी घटनाएं इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि ये जो घटनाएं हैं इसमें मरने वालों की जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा हैं, लेकिन अब इन घटनाओं के बाद कोई शोर खबर नहीं, ठंडे बस्ते में ये सारी घटनाएं चली गई हैं। पहली घटना होती है दुर्ग हाईवे पुल पर, जहां पर बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है और उसमें चली जाती है 13 लोगों की जाने। फिर ऐसी ही एक घटना घटती है बेमेतरा जिले में, जहां पर पिकअप पलटने से 9 लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसके ठीक बाद हाल ही में सोमवार को कवर्धा में एक बड़ा हादसा होता है, जहां पिकअप पलटने से 19 बैगा आदिवासियों की मौत हो जाती है। और अब चौथी जो सबसे बड़ी घटना है वो एक बार फिर से बेमेतरा में होती है, जहां बारूद फैक्ट्री में एक ब्लास्ट होता है और शरीर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। मलबे में दबे लोगों की आस देखते बाहर जोड़ते परिजन बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, सवाल बहुत सारे हैं। इस घटना के पीछे का जिम्मेदार कौन, जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब दे लोग जवाब देने से कतरा रहे हैं। मयंक, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी। ये चार बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, एक घटना से सबक नहीं लिया जा रहा, उसके बाद फिर ऐसी दूसरी घटना होती है, तीसरी और लगातार ये चौथी बड़ी घटना है जब छत्तीसगढ़ में होती है और पूरा छत्तीसगढ़ इससे दहल उठता है। आपको क्या लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं जिम्मेदार कौन है, वजह क्या आप समझ पा रहे हैं इन घटनाओं के पीछे? पूजा, जिस तरह की चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं उसमें ये बात जानना बेहद जरूरी है कि जो घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। सबसे बड़ी बात है कि जो चार घटनाएं हुई है उन चार घटनाओं में 3 घटनाएं जो है वो सड़क दुर्घटना है, चाहे वो कुम्हारी जो दुर्ग का कुम्हारी के ब्रिज से जो एक अनियंत्रित बस पलट जाती है उसकी बात की जाए, चाहे इसके बाद एक बात कर दी जाए, चाहे बेमेतरा में पिकअप जो है जाकर खड़ी जो ट्रक में जाकर घुस जाती है, इसके बाद जो कुकदूर में जो घटना होती है जिसमें जो आदिवासी मारे जाते हैं 19 लोग, तीनों घटनाएं कमोबेश जो है वो जो है सड़क दुर्घटना मानी जा रही है और तीनों घटनाओं में जिक्र जो है एक ही तरह का लगभग दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है सड़क दुर्घटनाओं के पीछे एक तो कारण ये निकल कर आ रहा है कि जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है उनके मेंटेनेंस, उनकी जो समय पर जांच होनी चाहिए, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल की जांच होनी चाहिए या फिर जो गाड़ियों की जो एक परमिट होती है उसकी जांच की बात हो या गाड़ी चलाने वाले की लापरवाही हो, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले जब इस तरह की लापरवाही करते हैं तो ना केवल खुद की बल्कि उसमें बैठे तमाम लोगों की जान भी जोखिम पे होती है। और हमने देखा है कि एक छोटी सी लापरवाही से कितनी जान इन 2 महीनों के भीतर जा चुकी है और इसके लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कितने घरों के आशियाने उजड़ चुके हैं, लोग बड़े बड़े सपने लेकर घर से निकलते हैं। हमने देखा था कुमारी में जब वो एक फैक्ट्री से निकलकर लोग अपने घर की ओर लौट रहे थे और घर नहीं पहुंच पाया तो उनके हाथ में टिफिन डब्बा भी था जिसमें वो अपने घर के लिए कुछ मीठा बनी हुई प्रसाद कुछ खीर लेकर घर लौटने चाह रहे थे। उस समय कुछ त्यौहार भी था और वो अपने घर प्रसाद लेकर घर जाना चाह रहे थे लेकिन कभी ना लौटने वाले सफर पर वो निकल जाते हैं। वैसी बेमेतरा पर जो है एक सामाजिक कार्यक्रम से जब लौट रहे थे कुछ महिलाएं, कुछ जो उसमें जो लोग थे वो अपने घर नहीं लौट पाते, खड़ी वाहन से जाकर उनकी गाड़ी पिकअप टकरा जाती है। वो एक घटना बेहद दुर्घट घटना थी जिसमें एक सूख गए कुछ छठी का कुछ कार्यक्रम था उससे लौट रहे थे लोग और वो घर नहीं पहुँच पाते हैं। इसके बाद जो घटना होती है कुकदूर में जो कि पंडरिया क्षेत्र का इलाका माना जाता है, सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों घटनाएं जिस क्षेत्र पर हो रही हैं दुर्ग पंडरिया कवर्धा, ये तीनों बिल्कुल एक बेल्ट सा जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और ऐसा लग रहा है अभी भी जो घटना हुई है बेमेतरा में घटना हुई है जो इतनी वृहद घटना हुई जिसे कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बारूद फैक्ट्री पे इतना भीषण धमाका हो जाता है बेमेतरा के जो क्षेत्र में जो घटना होती है उसमें
कि लोगों को उन अभी तक कुछ लोग लापता है, उनके उनके परिजन उनको खोज रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से जांच बचाव दल में टिक बना हुआ है, लेकिन मलबे में उनके उनके जो छत विछत शव है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसी दुखद घटना छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। लगता है छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को किसकी नज़र लग गई है, लगातार ये बात निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इसमें लापरवाही किसकी है, चाहे सड़कों की सड़क दुर्घटना की बात की जाए या फैक्ट्री में इस तरह के होने वाले हादसों की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात की जाए तो सड़कों का मेंटेनेंस तो लगातार, ये बात तो माननी पड़ेगी पूजा कि लगातार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों पर सड़कों की दशा दिशा बेहद शानदार हुई है। ग्रामीण इलाकों पर भी लगातार सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों पर भी जो तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ हैं उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और हम देखते हैं कि लगातार ऐसी घटनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों पर लगातार निकल कर आती है, चाहे ब्रेक फेल होने की बात हो या गाड़ियों के मेंटेनेंस ना होने के चलते जो इस तरह के ब्रेक फेल वाली स्थिति होती है, गाड़ियों के ड्राइवरों की समय पर जांच होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल की जांच होनी चाहिए, और गाड़ियों की जो एक समयावधि होती है, गाड़ियां जो है वो एक समय के बाद एक्सपायर्ड हो जाती है। हमने देखा है कि दिल्ली में 10 साल के बाद जो है डीजल गाड़ियों पर परमिट नहीं मिलती है, वो गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ पाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो इन राज्यों पर जो नहीं चलती है वो गाड़ियां छत्तीसगढ़ पर चलती है। छत्तीसगढ़ पर ऐसी गाड़ियों के समय पर जांच नहीं हो पाती, जो गाड़ियों को एक्सपायर्ड हो जाना चाहिए, जिनको कंडम बनाकर जिनको स्क्रैप में डाला जाना चाहिए, वो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, ना केवल अपनी बल्कि कई लोगों की जान भी है ऐसे गाड़ियों के जो खतरे पर बनी हुई है। लगातार ये सवाल गूंज रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पे भी ऐसे जो परमिट नॉन परमिट गाड़ियों को समय के साथ परमिट इसका रद्द किया जाना चाहिए और तो और स्क्रैप में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी सड़क दुर्घटना ना हो। बात की जाए बेमेतरा दुर्घटना की, बेमेतरा में भी एक्सप्लोजिव जो इतना बड़ा प्लांट था, और निश्चित तौर पर वो फैक्ट्री रिहायशी इलाकों से दूर थी, नहीं तो घटना कुछ और ज़्यादा वृहद हो सकती थी। अगर वो घटना रिहायशी इलाकों पर होती, इतना बड़ा ब्लास्ट जिससे 2-2 किलोमीटर दूर तक के धमाके की आवाज़ जा रही थी, अगर वो घटना किसी रिहायशी इलाकों पर होती पूजा, तो कल्पना नहीं की जा सकती कि उस घटना से कितनी बड़ी जो है वो जान माल की हानि हो जाती। बिल्कुल मयंक, जिस तरह से आपने बताया, और ये जो क्षेत्र है बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग, ये काफ़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले से काफ़ी पास है। तो अब सवाल के घेरे में डिप्टी सीएम भी आ जाते हैं और सीएम साहब भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जो परिवहन विभाग है वो उनके पास है, यानी एक तरह से सीएम साहब परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, और उसके बाद लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की जाने जा रही है। अगर हम ध्यान दें तो दुर्ग वाला जो हादसा हुआ, दुर्ग सड़क हादसा, उसमें वो भी उसकी इंक्वायरी भी ठंडे बस्ते में चली गई, क्या हो रहा है उस मामले को लेकर कोई सोर खबर नहीं। कवर्धा में जिस तरह से लापरवाही हमको देखने को मिली, और जब सबसे बड़ी लापरवाही और बेशर्मी की बात एक और हो जाती है मयंक, जिस पिकअप वाहन में सवार होकर बैगा आदिवासी जा रहे थे और उसके बाद उन पिकअप पलटने से मौत हो जाती है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं ये आम आदमी के लिए नहीं बल्कि ये सवार सामान ढुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसको लेकर बातें भी निकली कि भाई अब जो पिकअप वाहन है इसमें किसी भी इंसानों का आना जाना अब नहीं होगा, इस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके ठीक 2-4 दिन बाद एक ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है जब ऐसी ही पिकअप वाहन में सवार होकर इसी सेमहरा गांव में जवानों को भेज दिया जाता है, और जवान इस गाड़ी में सवार होकर अपनी जान को ताक पर रख कर पहुँच जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, जवान को जिसमें भेज दिया जाए वो चले जाते हैं। लेकिन और हैरानी की वाली बात यह है कि जिस पिकअप में वो सवार होकर जाते हैं उस गाड़ी का 1 साल पहले ही इंश्योरेंस खत्म हो जाया रहता है। दूसरी ये जो घटना जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो ब्लास्ट है, रूह कपा देने वाला ये ब्लास्ट, जो मंजर, भयावह मंजर, जिसे शायद ही कोई अपनी खुली आंखों से देख पाए और उसे महसूस कर पाए तो समझ पाएंगे कि जो पीड़ा है, लोग दरवाजे के सामने, फैक्ट्री के दरवाजे के सामने चीख पुकार कर रहे हैं, करुण रुदन के साथ अपने को लौटने का इंतजार कर रहे हैं, ये मंजर देख पाना इतना आसान नहीं होता है। और लगातार हम ऐसी घटनाएं जो है इसको लेकर कवरेज भी कर रहे हैं। अब जो बारूद फैक्ट्री है इसको लेकर एक जानकारी ये भी निकल कर सामने आई कि इस बारूद फैक्ट्री को 2023 में सील कर दिया गया था, उसके बावजूद फिर ये कैसे इसका संचालन शुरू हुआ, कैसे इसको परमिशन मिल गया, ये एक बड़ा सवाल है। और जब मौके पर पहुंचते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, लोगों का
जो दुख पीड़ित परिवार है उनको एक आस थी कि ये जाकर उनसे बात करें, लेकिन अब उनका कहना है पीड़ित परिजनों का कि कोई जनप्रतिनिधि आकर हमें सुना हमें हमारी सुनवाई के लिए नहीं आया। और अरुण साव बयान देते हैं कि जो फैक्ट्री के प्रबंधन है उनसे भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी पीड़ितों के लिए किसी तरह की व्यवस्था, जैसे कि मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया, ऐसे ही कुछ मदद करे। लेकिन अरुण साव ये बात नहीं कहते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे अगर प्रबंधन जिम्मेदार है, और जब इतनी बड़ी घटना आपकी फैक्ट्री में घटित होती है तो आप मुंह छिपाकर भागे हैं, यहां पर लोगों को आप फेस नहीं कर रहे हैं, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये बयान उनकी ओर से नहीं आती। और ये एक आक्रोश का, लोगों का आक्रोश इस वजह से भी फूट पड़ा है, चार घटनाएं, चारों घटनाओं ने छत्तीसगढ़ में तहलका मचा दिया, एक एक कर जो घटनाएं बीत चुकी है अब उनको लेकर जो कार्रवाई थी, जो रिपोर्ट की बात थी, वो भी कहीं ना कहीं भूली बिसरी याद बनती जा रही है। और अब एक नई घटना यहाँ पर आ गई, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घटना को लेकर क्या जो बयान दिए जा रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट जांच की बात कही जा रही है वो होती है, या माहौल ठंडा होने के बाद इस घटना को भी भुला दिया जाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक, और मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।